नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि सबके लिए नहीं बनी है, और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है बेताल। हॉरर और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2020 में। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक टनल से जिसे खोलते ही कुछ दानव प्रकट हो जाते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि एक टनल के खोलने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आजाद हो जाते हैं और वो सभी इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन यूं तो उतनी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसकी हॉरर एक्टिविटी हो सकता है कि सबके लिए नहीं बनी हो। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.4। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 6 पर है अ सुटेबल बॉय। रोमांस और ड्रामा के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2020 में। कहानी आपको ले जाती है 1947, जहां पर आप इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को देखने वाले हैं, लेकिन इस लव स्टोरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, और असल में वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की और एक पहलू भी है जो कि आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी। सीरीज की प्रेजेंटेशन यूं तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में भी कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 5 पर है बीस्ट ऑफ बैंगलोर। एक्शन थ्रिलर और डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2022 में। कहानी आपको ले जाती है बैंगलोर, जहां पर एक ऐसा खतरनाक किलर है जो कि सिर्फ लड़कियों को ही ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है और उनके कपड़े कलेक्ट कर अपने घर में रख दिया करता है। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है कि आखिरकार पुलिस इस किलर तक किस तरह पहुंचती है। सीरीज की स्टोरी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज यूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि आपको थोड़ा बहुत विचलित जरूर कर सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4 पर है शी। एक्शन और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2020 में। इसके टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं और इसकी थर्ड सीजन बहुत जल्द 2024 में रिलीज कर दी जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक फीमेल कांस्टेबल से जिसे एक खतरनाक टास्क दिया जाता है। टास्क कुछ ऐसा होता है कि मुंबई के सबसे खतरनाक डॉन को वो किसी भी तरह से गिरफ्तार करे, और लास्ट तक ये फीमेल लेडी कांस्टेबल किस तरह अपने काम को सक्सेस है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन दोस्तों सच में अमेजिंग है, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.4। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 पर है कैट। एक्शन और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई थी 2022 में। कहानी की शुरुआत होती है गुरनाम से, जिसके भाई को अचानक से ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है ड्रग्स स्मगलिंग के केस में। दूसरे तरफ गुरनान किसी भी तरह से अपने भाई को पुलिस के हिरासत से छुड़ाना चाहता है और पंजाब से ड्रग्स और ड्रग्स के सभी डीलरों का सफाया करना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2 पर है राणा नायडू। एक्शन और थ्रिलर के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज की गई है 2023 में। कहानी की शुरुआत होती है राणा से, जो कि बॉलीवुड के हर इलीगल काम को हैंडल कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही उसका सामना उसके ही पिता के साथ होता है, यानी कि नायडू के साथ होता है। और ये राणा नायडू की वॉर कहां पर जाकर खत्म होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 1 पर है सेक्रेट गेम। सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2018 में। दोस्तों, इस सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वेब सीरीज की दुनिया में ये बेताज बादशाह है। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक ऐसे क्रिमिनल को दिखाती है जो कि पूरे दुनिया को तबाह करने का दावा कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी पुलिस ऑफिसर है जो कि किसी भी तरह से इस तबाही को रोकना चाहता है, और लास्ट तक इन दोनों के संघर्ष में जीत किसकी होती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।